नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है कि विशेष भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाए और इस पूरी राशि पर पीएफ का कंट्रीब्यूशन किया जाए, इससे एम्प्लॉयज की जो टेक होम सैलरी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पीएफ में कंपनी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है तो वो भी बढ़ जाएंगी। इस तरह से आपके पीएफ के खाते में अभी ज्यादा पैसा आने वाला है। नए नियमों को नहीं मानने वाली कंपनियों पर एक्शन की तैयारी भी ईपीएफओ कर रहा है, तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सब पीएफ खाता धारक इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है जिसके तहत यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल अलाउंस को बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ने पर कार्रवाई करेगा ईपीएफओ। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि विशेष भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाए और पूरी राशि के ऊपर जो पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है तो पीएफ के खाते में जमा किया जाए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसी के बारे में जो अपडेट है तो वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने भविष्य निधि गणना में विशेष भत्ते को मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में शामिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के ईपीएफ गणना में मूल वेतन के हिस्से में विशेष भत्ते को शामिल करने की व्यवस्था के एक दिन बाद ईपीएफओ ने यह निर्णय किया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी कि कर्मचारियों के भविष्य निधि गणना मामले में विशेष भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है। बता दें कि कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा ईपीएफ की सामाजिक सुरक्षा योजना मद में देना होता है, इतना ही योगदान नियोक्ता भी करता है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, फैसले को देखते हुए ईपीएफओ उन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो ईपीएफ योगदान के लिए विशेष भत्ते को उसमें शामिल नहीं करते। ईपीएफओ फैसले को स्टडी कर रहा है और उसे लागू करने के लिए जल्द ही पूरा प्लान लाएगा। आगे यहाँ पर ईपीएफओ ने शीर्ष अदालत में कहा है कि मूल वेतन को जानबूझकर कम रखा जाता है और इसी के आधार पर ईपीएफ की गणना होती है, इसलिए निकाय के लिए यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से लागू करे। ईपीएफओ न्यास तथा भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा, हम शीर्ष अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं, यह लंबित मामला है। वास्तव में ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यास बोर्ड ने ईपीएफ देनदारी कम करने के लिए वेतन को विभिन्न मदों में विभाजित करने के मामले तथा उससे निपटन के बारे में सुझाव देने को लेकर एक समिति बनाई थी। आगे उन्होंने कहा है कि समिति ने मसले से निपटने को लेकर अपना सुझाव दिया था, लेकिन उसी वक्त मामला कोर्ट में गया और विभिन्न भत्तों को मूल वेतन में शामिल करने की समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में ईपीएफ की अपील की अनुमति दे दी। इसमें ईपीएफ का योगदान की गणना के लिए विशेष भत्ते जैसे भत्तों का मूल वेतन में शामिल करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि विशेष भत्तों को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाए और इसके ऊपर जो पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है तो उसे जो है वो पीएफ के खाते में जमा किया जाए, और अगर ऐसा कंपनियां नहीं करती है तो उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ईपीएफओ अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो बाकी पीएफ खाता धारकों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप को आप इंस्टॉल करके हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी ऐसे ही फ्रिक्वेंट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके आप इसको आसानी से डाउनलोड करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।